गुड मॉर्निंग बच्चों, इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स का सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10th का। बच्चों आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.4 और बच्चों इसका कंसेप्ट को भी हम समझेंगे। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को भी चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें न करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 6.4 सॉल्व कराएंगे। तो मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.4 का सोल्यूशन चैप्टर 6 ट्रायंगल्स का। और बच्चों आज का जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है बच्चों ये टॉपिक है। अभी तक हमने जो है इस चैप्टर 6 के पिछली एक्सरसाइज में 6.3 तक ये देखा कि हमारा जो है सिमिलर ट्रायंगल्स के रूल क्या होते हैं, हम उनको रिकॉग्नाइज कैसे कहते हैं, कंडीशंस क्या होती है, ये हमने सीखा। और बच्चों इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस भी लगाए। अब बच्चों यहाँ पर जो दो सिमिलर ट्रायंगल हैं उसके एरिया क्या क्या रूल है वो हम पढ़ेंगे। तो बच्चों वो पढ़ने के लिए हमको एक थ्योरम है उसको स्टडी करनी पड़ती है। बहुत ही सिंपल सा थ्योरम है और वो थ्योरम मैं आपको प्रूव भी करवाऊंगा, ठीक है, और फिर उसके बाद उसके ऊपर सवाल लगाएंगे। तो देखिए बच्चों थ्योरम क्या है। थ्योरम जो आपकी बुक में नंबर लिखा हुआ है मैं वही लिख देता हूं। थ्योरम है हमारी थ्योरम 6.6, ठीक है, थ्योरम 6.6। तो जो थ्योरम है वो है द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स is equal to the ratio of square of their corresponding sides। ठीक है बच्चों, ये हमारा जो थ्योरम है और इसी थ्योरम के बेस पे जो है सारे के सारे जो है न्यूमेरिकल्स होंगे या क्वेश्चंस होंगे जो इस एक्सरसाइज में है। तो बच्चों ये कह क्या रहा है उसको देखिए। बच्चों देखिए ये हमारे पास जो है दो ट्रायंगल हैं और ये दोनों सिमिलर हैं, ठीक है, ये हमको पहले से ही गिवन है कि सिमिलर है। यदि हमको कहीं पर सिमिलर ट्रायंगल मिलते हैं तो हम इसको निकाल लेंगे। ये ट्रायंगल है ए बी सी और ये है बच्चों हमारा पी क्यू आर, इस तरीके से बच्चों। तो बच्चों इसका कुछ एरिया होगा, ठीक है, इसका एरिया बच्चों सपोज करिए इसका है एरिया ए बी सी, हम ऐसे लिखते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ऐसे लिखते हैं, और डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है पी क्यू आर, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो बच्चों चलिए पहले इसकी सिमिलरिटी की एनालिसिस करते हैं। तो बच्चों देखिए क्या होता है, यहां पर ये हो गया कि अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके सारे एंगल इक्वल होंगे। ऑल एंगल्स ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल, ठीक है, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात बच्चों जो होगी वो ये होगी, दूसरी बात जो होगी उस चीज को ध्यान रखिएगा, दूसरी बात जो होगी वो ये होगी यहां पर कि इनके करेस्पॉन्डिंग साइज का रेशियो बराबर होगा। करेस्पॉन्डिंग साइज जैसे इसका करेस्पॉन्डिंग ये हुआ, इसका करेस्पॉन्डिंग ये हुआ, इसका करेस्पॉन्डिंग ये हुआ। तो बच्चों देखिए वो दूसरी कंडीशन जो होती है उसमें आएगा ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू बराबर बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर, ठीक है, बराबर जो है ए सी डिवाइडेड बाई पी आर, ठीक है, देखिए ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू, बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर एंड ए सी डिवाइडेड बाई पी आर, ये बच्चों सिमिलरिटी की ट्रायंगल होती है, सिमिलरिटी की कंडीशन होती है ये वाली, ठीक है। हमको निकालना है एरिया दोनों ट्रायंगल का, इसका रेशियो। तो बच्चों वो क्या होता है, वो बच्चों होता है देख लीजिए,
एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, इसका रेशियो जो होता है इस करेस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, ये होता है। अब बच्चों इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, तो बच्चों ये हो गया बीसी बटे क्यू आर, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं इस तरीके से एसी बटे पी आर, इस तरीके से लिख सकते हैं। और बच्चों यही हमको प्रूव करना है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, यही हमको प्रूव करना है। तो बच्चों चलिए अब हम देखिए इसको प्रूव करते हैं, एक एक स्टेप देख लीजिएगा, ठीक है, और थोड़ी देर में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए फिर से हम दोनों सिमिलर ट्रायंगल बनाते हैं और उसकी कंडीशन को यहाँ पे लिखते हैं। सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशन आपको माइंड में क्लियर होनी चाहिए, कैसे उसको प्रूव करते हैं भी क्लियर होना चाहिए, तभी एक्सरसाइज बहुत इजी लगेगी आपको। तो बच्चों देखिए क्या हुआ यहाँ पर, ये देखिए हम दो ट्रायंगल बनाते हैं और दोनों सिमिलर हैं, ये हमारा पहला ट्रायंगल हो गया और बच्चों ये हमारा हो गया दूसरा ट्रायंगल, ठीक है, ये है बच्चों ट्रायंगल ए बी सी और ये है पी क्यू आर, इस तरीके से है, ठीक है बच्चों। अब ये गिवन है, गिवन सबसे पहले हमारा गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, ये हमको गिवन है। अब बच्चों जब ये गिवन है तो इसके करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा, यानी ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर इज इक्वल टू जो है ए सी डिवाइडेड बाई पी आर, ये होगा, इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों चलिए सबसे पहले हम दोनों का एरिया निकालते हैं, ठीक है, दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो होता है बच्चों वन बाई टू इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, बेस आप किसी को भी दे सकते हैं, हाइट उसी के अकॉर्डिंग निकाल देंगे। तो बच्चों देखिए इस ट्रायंगल का बेस बीसी हुआ और इस ट्रायंगल का बेस क्यू आर हुआ। बच्चों जब हाइट निकालेंगे तो हाइट यहां से जो वर्ट अपोजिट वर्टेक्स होता है उससे हम एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ करते हैं, ये हमारा हमको हाइट देता है, ठीक है, देखिए इस तरीके से ये हमारा देखिए हमको इस तरीके से हाइट देगा, ये परपेंडिकुलर होता है यहां पर, तो ठीक है बच्चों। तो हम इस पॉइंट को डाल देते हैं डी और इसको डाल देते हैं एम, ठीक है। तो बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी वो बच्चों होगा हमारा वन बाई टू, देखिए बेस इसका है बीसी तो इंटू बीसी, और फिर बच्चों ये हाइट हो गई इसकी एडी तो हो गया इंटू एडी, ये आ गया इस तरीके से, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर निकालेंगे, पी क्यू आर निकालेंगे तो बच्चों आ जाएगा वन बाई टू इंटू, देखिए इसका बेस है क्यू आर, तो बच्चों ये हो गया हमारा क्यू आर और इंटू जो है ये है पीएम, तो बच्चों ये हो गया हमारा पीएम, हाइट इसकी पीएम है, देखिए इस तरीके से। अब बच्चों हमको इसको निकालना है रेशियो, तो बच्चों रेशियो क्या है, इसको डिवाइड कर देंगे पूरे को, तो देखिए खाली वन बाई टू से वन बाई टू कटेगा, तो जो आ रहा है उसको यहां लिख लीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी इंटू ए डी डिवाइडेड बाई क्यू आर इंटू पी एम, ये बच्चों हमारे पास इस तरीके से आ रहा है, इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों इसको हम थोड़ा जो है फर्दर अभी यूज करेंगे, इस जो एक्सप्रेशन ये हमारा आया है इसको हम यहाँ साइड में लिख रहे हैं, आप भी कहीं अपने नोटबुक में लिख लीजिए, अभी इसका प्रॉपर यूज होगा। तो देखिए बच्चों हमारे पास जो आया है वो आया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर इंटू ए डी डिवाइडेड बाई पीएम, ये देख लीजिए इस तरीके से ये हमारा आ गया, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखिए बीसी अपॉन क्यू आर ये हो गया और एडी अपॉन पीएम ये आ गया। अब बच्चों हम इसका जो है
दूसरा ऑपरेशन करते हैं उसको देख लीजिए बच्चों। ये फार्मूला हम यहाँ पे लिखा रहने देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल का ऊपर वाला भी सब कुछ लिखा रहने देंगे, और अब देखिए हम जो करने जा रहे हैं उसको देखेगा। अब बच्चों जब हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हाइट निकालने के लिए, हाइट के लिए निकाला ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो बच्चों एक ट्राइंगल और बन गया बी ए बी डी, ठीक है। तो एक ट्राइंगल और बना, तो देखिए हम एनालिसिस करेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम। देखिए ए बी डी पी क्यू एम इस तरीके से है बच्चों। देखिए क्या हुआ, एंगल ए बी सी ए बी डी इज इक्वल टू एंगल पी पी क्यू एम। देखिए एंगल ए बी डी ये वाला एंगल, ठीक है, और बच्चों एंगल पी क्यू एम ये वाला एंगल, ठीक है, ये देखना आना चाहिए आपको। ये दोनों इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि हमें पहले दे रखा है कि ट्राइंगल हमारा सिमिलर है, तो सिमिलर ट्राइंगल के हमारे एंगल इक्वल होते हैं, तो ये इक्वल है, बात आ गई वन। दूसरा बच्चों देखिए एंगल बी डी ए इज इक्वल टू एंगल क्यू एम पी। अब जैसे लिखा वैसे चलेंगे, एंगल है बी डी ए तो बी डी ए, एंगल क्यू एम पी तो बच्चों क्यू एम पी। ये बच्चों देखिए 90 है, ठीक है, ये देखिए 90 है, ये दोनों 90 है, ठीक है, ये आ गया। मतलब देखिए एक एंगल ये बराबर, दूसरा ये बराबर, दोनों का हो गया। तो सिंस यहां लिख लीजिए, सिंस टू एंगल्स ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स ट्राइंगल्स आर इक्वल, सो थर्ड एंगल इज आल्सो इक्वल, यानी कि हमारा तीसरा एंगल भी बराबर होगा। दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप बराबर होगा, तो कौन सा एंगल बराबर होगा, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी एम। कौन सा एंगल बच्चों, ये वाला एंगल, ये एंगल बराबर होगा, देख लीजिए आप, ठीक है। अब बच्चों जब हमारा ये वाला एंगल यहाँ पे बराबर हो रहा है, यहाँ पे देखिए बहुत आराम से ये वाला एंगल यहाँ पे हमारा बराबर हो रहा है इसके, तो बच्चों देखिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि तीनों एंगल ऑल द थ्री एंगल्स आर इक्वल, ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल जो है पी क्यू एम। ए बी डी कौन सा है, ए बी डी ये वाला ट्राइंगल और पी क्यू एम ये वाला ट्राइंगल, इसके दोनों सारे एंगल बराबर है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा आ जाएगा एंगल 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 का जो है क्राइटेरिया यहाँ लग जाएगा। इससे मतलब क्या होता है बच्चों, ये क्राइटेरिया जब लगता है तो इनके साइड्स भी इक्वल होंगे, साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, ठीक है। और बच्चों हमारा ट्राइंगल जो है ए बी, ठीक है, ए बी डी जो सिमिलर होगा, ट्राइंगल किसके सिमिलर होगा बच्चों, वो हमारा सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू एम, ये वाला ट्राइंगल ए बी डी पी क्यू एम के सिमिलर होगा। ये बात यहां से प्रूफ होती है क्योंकि उनके तीनों एंगल बराबर है तो उनके साइड्स का करेस्पॉन्डिंग रेशियो भी बराबर होगा, ठीक है। अब बच्चों यहां से जब हमारा दो ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो गए तो उनके करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। इसका मतलब बच्चों हमारे पास यहाँ पे निकल के आता है कि हमारा होगा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम बराबर बच्चों होगा हमारा ए डी अपॉन जो है वो होगा ए डी अपॉन पी एम। इन सबको देख लीजिए, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम और बच्चों ए डी अपॉन पी एम, इसको देख लीजिए करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। तो बच्चों हमारे पास ये कंक्लूजन निकल के आया, ठीक है। अब बच्चों हम इस कंक्लूजन को यहां पे लिख लेते हैं, बाकी सब मैं इरेज कर दे रहा हूं, उसको नोट कर लीजिए, यही इंपॉर्टेंट फैक्टर, यहीं से ये थ्योरम प्रूफ होती है, ठीक है। अब बच्चों यहां से जो कंक्लूजन निकला है उस कंक्लूजन को हम यहां पे नोट करते हैं।
तो कंक्लूजन क्या निकला है, कंक्लूजन हमारा निकल के आया है ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी डिवाइडेड बाई क्यू एम इज इक्वल टू ए डी डिवाइडेड बाई पी एम। ये देख लीजिए इस तरीके से हमारे पास एक कंक्लूजन यहां पे इस तरीके से निकल के आया है। ठीक है बच्चों, अब हम देखिए प्रूव करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों क्या आया है हमारे पास, हमारे पास आया एडी डिवाइडेड बाई पीएम। देखिए इसको देखिए एडी डिवाइडेड बाई पीएम यहां लिखा है। अब देखिए एडी डिवाइडेड बाई पीएम ये है, देख रहे हैं। तो बच्चों ये बीडी बाई क्यूएम के बराबर भी है और ए बी बाई क्यू पी क्यू के बराबर है। तो हम क्या कहते हैं एडी बाई पीएम को हम ए बी बाई पी क्यू लिख देते हैं। तो बच्चों देखिए हमारे पास क्या आया, हमारे पास जो निकल के आया बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर इंटू ए डी बाई पी एम की जगह हम ए बी बाई पी क्यू लिख देते हैं। तो देखिए आ गया ये हमारा ए बी बाई पी क्यू, ऐसे आ गया, देख लीजिए बहुत आराम से। अब बच्चों ए बी बाई पी क्यू यहां भी लिखा है, बी सी बाई क्यू आर यहां भी रखा हुआ है। तो बच्चों हम क्या करते हैं बी सी बाई क्यू आर की जगह ए बी बाई पी क्यू लिख देते हैं, या ए बी बाई पी क्यू जगह यह लिख देते हैं। तो बच्चों इसको हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए हमारे पास क्या आया, हमारे पास आ गया बी सी अपॉन क्यू आर, और बच्चों देखिए ए बी बाई पी क्यू के बराबर बी सी बाई क्यू आर है, तो हम यहां पर भी बी सी बाई क्यू आर लिख देते हैं। क्या गया ऐसे। तो बच्चों अब देखिए यहां पे क्या होगा, ये रहेगा एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर, ये देखिए क्या हो गया, ये हो गया बच्चों बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, ये देख लीजिए हमारा कंक्लूजन निकल के आ गया। अब बच्चों जरा मैं इसको यहां पे लिखता हूं फिर आपको दिखाता हूं जादू। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या आया हमारा बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, देख लीजिए आराम से आप नोट कर लीजिए। अब बच्चों बी सी बाई क्यू आर को हम ए बी बाई पी क्यू लिख सकते हैं। तो बच्चों यही हमारे पास हो जाएगा ए बी बाई पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और देखिए ए बी बाई पी क्यू को हम ए सी बाई पी आर भी लिख सकते हैं। तो यही हो गया हमारा ए सी बाई पी आर का स्क्वायर। ठीक है, यही बच्चों हमको प्रूव करना था और हम प्रूव करने में सक्सेसफुल हुए बहुत आराम से। ठीक है, एक एक स्टेप को देखिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ टर्म्स आपको ना समझ में आए, लेकिन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बच्चों जो हमने थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा था, जिसमें ये लिखा था कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करेस्पोंडिंग साइड्स। तो देखिए टू सिमिलर ट्रायंगल हमको पहले दे रखा है, उसका ये रेशियो है बच्चों, और ये उसका करेस्पोंडिंग साइड का रेशियो है, उसका स्क्वायर हुआ। देखिए करेस्पोंडिंग साइड ए बी बाई पी क्यू ये है, बी सी बाई क्यू आर ये है, और ए सी बाई पी आर ये है, ये इसका इस तरीके से इसके स्क्वायर के बराबर हुआ। तो बच्चों इस तरीके से ये थ्योरम हमारी प्रूफ होती है। अब बच्चों जो हमारी एक्सरसाइज है उस पूरी की पूरी एक्सरसाइज इसी थ्योरम के ऊपर बेस है, और वो कंसेप्ट भी लगेगा जो हमने जो है पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा है। तो बच्चों चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो देखते हैं कि हमारा एक्सरसाइज 6.4 का पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है लेट ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ एंड देयर एरिया बी रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ ईएफ इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर फाइंड द बीसी। ये बच्चों क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए कैसे होगा, क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास दो ट्रायंगल हैं इस तरीके से। ठीक है, दोनों ट्रायंगल को मैं यहां बना देता हूं ऐसे। ठीक है, देखिए दोनों ट्रायंगल हैं, ये बच्चों है हमारा ए बी सी ट्रायंगल। ठीक है, और बच्चों ये वाला जो है ये है हमारा डी ई एफ ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसका जो एरिया दे रखा है, इसका जो एरिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वो है बच्चों हमारा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बच्चों यहां पे इसका एरिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ वो है बच्चों हमारा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से बच्चों इसको एरिया है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों
हमें क्या निकालना है, हमारा देखिए बीसी हमको निकालना है, ठीक है, बीसी की वैल्यू क्या है निकालना है, और ईएफ हमको दे रखा है वो है 15.4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब बच्चों थ्योरम लगाएंगे, थ्योरम यहाँ पे लगाएंगे तो थ्योरम हमारी क्या थी कि एरिया ऑफ जो है सिमिलर ट्राइंगल का जो रेशियो होता है वो उनके करेस्पेंडिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। ये बच्चों था, तो देखिए क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, ऐसे हो गया बच्चों ये, और बच्चों इसका जो रेशियो आ रहा है ये हम करेस्पोंडिंग साइड लेते हैं, तो करेस्पोंडिंग साइड हम कोई भी ले सकते हैं लेकिन यहाँ पे वही लेंगे जिसको निकालना है हमको, हमको बीसी और ईएफ का दे रखा है तो उसी को लेंगे, तो ये हो गया बच्चों। अब एरिया एबीसी का कितना है, ये है 64, ये कितना है, ये है 121, और ये बच्चों बीसी हमें निकालना है, और बच्चों ईएफ है हमारा 15.4 इसका स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसका जब अंडर रूट लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बीसी डिवाइडेड बाई 15.4 इज इक्वल टू 8/11। देखिए ऐसे आ गया। अब देखिए बच्चों बीसी को कैलकुलेट करना है, सिंपल कैलकुलेशन है, तो देखिए इस तरीके से ये हो जाएगा, और बच्चों ये कटेगा, ये आ जाएगा 1.4, तो ये आ गया बच्चों 8 × 1.4 और ये आ गया 11.2 सेंटीमीटर। तो देखिए बीसी का जो मेजरमेंट आया बच्चों 11.2 सेंटीमीटर आया, और बच्चों यही इसका जो है आंसर है। इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, तो देखते हैं कि हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है देखिए, डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम एबीसीडी विद एबी इज पैरेलल टू डीसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, इफ एबी इज इक्वल टू 2CD फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल्स एओबी एंड सीओडी। ठीक है बच्चों, बच्चों पिछले एक्सरसाइज में हमने ट्रेपेजियम के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसी के ऊपर बेस है बच्चों, ये ट्रेपेजियम का कंसेप्ट हमें को क्लियर होना चाहिए। देखिए बच्चों ये हमारा इस तरीके से ट्रेपेजियम है, ठीक है बच्चों, देखिए ये हमारा ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम है ए बी सी और डी, जिसमें ए बी हमारे सी डी सी के पैरेलल है। अब बच्चों इसका डायगोनल देखिए इस तरीके से है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है ओ पे, ये आ गया। अब बच्चों यहाँ पे दो ट्राइंगल बनते हैं ए ओ बी और बच्चों डी ओ सी, ये दोनों बच्चों हमारे सिमिलर होते हैं, ये बात मैं आपको पिछली एक्सरसाइज में समझा चुका हूं। तो बच्चों यहाँ पर देख लीजिए, इन ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम ए बी सी डी जो होगा बच्चों, हमारा जो है ट्राइंगल ए ओ बी जो है वो हमारा सिमिलर है ट्राइंगल डी ओ सी के, ये बात जो है कैसे होती है मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूं, ठीक है, वहां पे आप देख लीजिएगा। अब बच्चों यहां पर देखिए क्या हुआ, यहां पर ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, तो बच्चों करेस्पॉन्डिंग साइड ए बी के करेस्पॉन्डिंग साइड हमारा डी सी होगा। अब बच्चों देखिए यहां पर डी सी या सी डी कुछ भी कह लें, तो बच्चों यहां पर देखिए हमको दे रखा है ए बी इज इक्वल टू 2CD दे रखा है, ठीक है, यानी कि ए बी डिवाइडेड बाई सी डी ये हमारा होगा 2, ठीक है। अब बच्चों जो एरिया का थ्योरम है उसके हिसाब से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ओ सी ये जो होगा, ये होगा बच्चों हमारा ए बी डिवाइडेड बाई सी डी का बच्चों स्क्वायर, ये था भी ये पड़ा था। अब बच्चों ए बी बाई सी डी हमारा है 2, तो हम बच्चों यहां लिख देंगे 2 स्क्वायर, तो बच्चों ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ओ सी, ये हो गया, और ये बच्चों इस तरीके से जो आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ओ सी, और ये बच्चों आ जाएगा 4/1, यानी रेशियो जो आएगा वो आएगा 4:1, ये बच्चों इसका आंसर होगा। और इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है।
तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है ये देखिए, क्वेश्चन ये, इन गिवन फिगर एबीसी एंड डीबीसी आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बीसी। इफ एडी इंटरसेक्ट्स बीसी एट ओ, शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी इज इक्वल टू एओ अपॉन डीओ। ठीक है बच्चों, ये देखिए क्वेश्चन इस तरीके से है और बच्चों हमें इसको करना है सॉल्व। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों ये हमारे पास एक ट्रेपेजियम है, ये ट्रेपेजियम के डायगोनल्स हैं इसमें, और बच्चों यहां पर हमको निकालना है एरिया इस ट्रायंगल का ए बी सी इसका, और बच्चों एरिया ऑफ डी बी सी, देखिए डी बी सी ऊपर वाले का, इसका इसका जो एरिया है वो एओ अपॉन डीओ होगा, ये हमें शो करना है। तो बच्चों इसमें थोड़ी सी एक ट्रिक लगेगी, उस ट्रिक को ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। तो बच्चे देखिए, एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होता है वो होता है बच्चों 1/2 और बेस इनटू हाइट, ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। ठीक है, अब बच्चों बेस इसका बीसी है और हाइट हमको पता नहीं, तो बच्चों हम यहां पर इस तरीके से एक यहां पर परपेंडिकुलर डाल करके इसकी हाइट यहां पे ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ये ऐसे आया। ठीक है, ये इस तरीके से आ गया बच्चों, इसको यहां एम लिख दीजिए, यहां लिख दीजिए इसको एन, इस तरीके से हो गया। तो बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल के इससे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो बच्चों आ रहा है 1/2 इंटू, बेस हमारा क्या है वो है बी सी, और इंटू हाइट क्या है वो है ए एम। ये देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, ये हमारा निकल गया। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, तो है डी बी सी इस तरीके से, तो बच्चों ये है 1/2 इंटू बी सी इंटू हाइट ये हो जाएगी। तो बच्चों बी सी इंटू हाइट हो गई हमारी डी एन, ऐसे हो गया। ठीक है, अब बच्चों इसका रेशियो निकालना है, तो बच्चों इसको हम डिवाइड कर देंगे ऐसे। तो देखिए 1/2 से 1/2 कट गया, बीसी से बीसी कट गया, तो हमारे पास एक सिंपल सा जो है इक्वेशन आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी, और बच्चों इसका आया ए एम बटे डी एन। देखिए ये आया इस तरीके से, इसको जरा आप नोट कर लीजिए, ये तो हमने दोनों का एरिया निकाल लिया। ठीक है, तो चलिए हम इसको यहां लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी इज इक्वल टू ए एम अपॉन डी एन, याद है। अब बच्चों कहानी यहां पे ये हुई कि हमारा जो है हमको ना तो ए एम पता और ना डी एन पता, और ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब हम यहां पे लगाएंगे ट्रिक, ट्रिक लगाएंगे बच्चों, ये ट्रायंगल देखेंगे ए एम ओ। ठीक है, इस तरीके से लिखो, तो बच्चों इन ट्रायंगल ए एम ओ एंड ट्रायंगल जो है डी एन ओ, ठीक है, ए एम ओ ये वाला और डी एन ओ ये वाला, इसको देखिए जरा ध्यान से, देखिए ये एंगल बराबर होंगे और ये 90 है। तो देखिए बच्चों यहां पे क्या होगा कि हमारा जो है एंगल एम, एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू एंगल डी एन ओ, एंगल ए एम ओ ये वाला एंगल, ये जो बन रहा है ये वाला, ठीक है, और बच्चों ये वाला डी एन ओ ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल बच्चों बराबर हैं और ये है 90। ठीक है बच्चों, और बच्चों ये हमारा जो है इंटरसेक्टिंग बन रहा है एंगल, तो ये भी बराबर होगा, और दूसरी चीज होगा एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ओ, ये बच्चों हमारा कॉमन है, इस तरीके से देख लीजिए। ठीक है, ये हमारा है। अब देखिए बच्चों दोनों एंगल हमारे बराबर हो गए, तो बच्चों देखिए इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में बच्चों दो एंगल हमारे बराबर हैं, सो
थर्ड एंगल ऑफ बोथ द ट्राइंगल इज ऑल्सो इक्वल, ये बराबर होगा पूरी तरीके से। अब बच्चों इस कंडीशन में हमारा जो कंसेप्ट लगेगा वो एंगल 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 वाला लगेगा, ठीक है, और क्राइटेरिया इसका ये हो गया, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि ट्राइंगल ए एम ओ एंड ट्राइंगल डी एन ओ आर सिमिलर, ये बच्चों हमारे सिमिलर ट्राइंगल हैं। ट्राइंगल ए एम ओ सिमिलर टू ट्राइंगल डी एन ओ, इस तरीके से हो गया, ठीक है, बड़े ध्यान से देखिएगा। अब बच्चों जब कोई भी ट्रायंगल हमारा जो है सिमिलर होता है तो बच्चों उसके करेस्पोंडिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। तो बच्चों देखिए हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा ए एम अपॉन जो है डी एन इज इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ इज इक्वल टू बच्चों आएगा हमारा एम ओ अपॉन एन ओ। बात हम इस ट्रायंगल की कर रहे हैं और बात हम इस ट्रायंगल की कर रहे हैं, दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय दिस बराबर होगा क्योंकि दोनों ट्रायंगल शामिल है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम केवल इसको लेंगे, ये वाला लेंगे, देखिए एम अपॉन डी एन क्या है, ए ओ अपॉन डी ओ आ रहा है, ठीक है। अब बच्चों देखिए यहाँ पे एम अपॉन डी एन लिखा हुआ है तो हम इसकी जगह ए ओ अपॉन डी ओ कर देते हैं, तो देखिए क्या हो गया, ये हो गया एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ डी बी सी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ, ये बच्चों हमारा हो गया प्रूफ्ड, ठीक है, ये हो गया प्रूफ्ड, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा हल्का सा लीक से हटके कंसेप्ट लग रहा था, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फोर हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फोर है और क्वेश्चन क्या है, देखिए, इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कांग्रुएंट, ठीक है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। मतलब दो हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल है, अगर उनका एरिया इक्वल है तो वो कांग्रुएंट है। तो बच्चों देखिए क्या होता है, हमने सपोज किया हमारे पास दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, और ये बच्चों सिमिलर हैं, ठीक है। तो बच्चों हम यहां पे देखिए इसको इस तरीके से बना देते हैं, ये हमारा हो गया ट्राइंगल ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल बच्चों इस तरीके से ये हो गया, ये है बच्चों पी क्यू आर, ये दोनों सिमिलर हैं, ठीक है बच्चों। तो सिमिलर ट्राइंगल होने के कारण जो इनका एरिया होगा, एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर, ये बच्चों हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, भाई ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर बराबर बच्चों बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर बराबर ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये हमारा सेटिस्फाइड होगा यहाँ पे इस तरीके से। अब बच्चों यहां पर देखिए क्या होता है, हमको दिया हुआ है कि इन दोनों सिमिलर ट्राइंगल का एरिया बराबर है, तो बराबर होने के कारण ये बच्चों कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू का स्क्वायर बराबर बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर बराबर ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू वन के बराबर आ जाएगी। अब बच्चों इसमें से अगर हम लेते जाएं एक एक के बाद, तो बच्चों क्या आएगा, ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू का स्क्वायर बराबर वन हो जाएगा, ठीक है। और बच्चों देखिए यहां पे क्या आएगा, बी सी अपॉन क्यू आर का जो स्क्वायर है वो भी वन हो जाएगा, और ये आ जाएगा ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर, ये भी वन हो जाएगा। इसका मतलब हमको यहां से मिलेगा कि ए बी बटे पी क्यू इज इक्वल टू वन होता है, यानी कि यहां से हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है। ये बच्चों यहां से हमको देगा, ये देगा बी सी अपॉन क्यू आर, ये बच्चों वन हो जाएगा, और ये हमको देगा बी सी बराबर क्यू आर।
बच्चों यहाँ से ये निकलेगा हमारा ए सी डिवाइडेड बाई पी आर और ही आएगा वन और यहां से हमको मिलेगा ए सी बराबर पी आर। कुल मिलाकर के बच्चों ए बी पी क्यू के बराबर हो गया, बी सी क्यू के क्यू आर के बराबर हो गया और ए सी बच्चों हमारे पास पी आर के बराबर हो गया। अब बच्चों ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये हमको दिया हुआ है यानी कि इसके एंगल जो हमारे इक्वल है, सारे एंगल इक्वल है। अब बच्चों साइड में भी देखिए सारे आ रहे हैं तो इसके साइड भी सारे इक्वल हैं और जब ये होता है तो बच्चों दोनों ट्रायंगल हमारे क्या होते हैं, वो होते हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, सो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट, ये बच्चों हो गया हमारा प्रूव्ड। तो हेंस प्रूव्ड, ये बच्चों आ गए तरीके से और क्वेश्चन खत्म हुआ। सिंपल सा क्वेश्चन था, लॉजिकल है, ध्यान से सोचिएगा तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है बच्चों, ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिएगा बच्चों। ये हमारा एक ट्राइंगल है बच्चों इस तरीके से ए बी सी। ठीक है, ये देख लीजिए इस तरीके से, ये है ए बी सी, ये है ए, ये है बी और ये है सी, इस तरीके से है बच्चों। यहां पर दे रखा है कि डी, यहां पे डी, ठीक है, यहां पर बच्चों ई और बच्चों यहां पर एफ जो है वो इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, मिड पॉइंट है। अब बच्चों इस मिड पॉइंट को मिला करके इस तरीके से हम एक बनाते हैं ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, बन गया हमारा ट्राइंगल। तो बच्चों हमको ये बताना है, हमको ये बताना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये बच्चों हमारा क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से नोट कर लीजिए। अब बच्चों यहां पर देखिए, यहां पर आप एक चीज ये देखिए, यहां पर बच्चों हमारी लगेगी ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, इसको देख लीजिए बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगेगी। तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम किसी ट्राइंगल के दो मिड पॉइंट हो साइड पे, उसको आपस में मिलाते हैं तो बच्चों तीसरे लाइन के पैरेलल होता है, चाहे ट्राइंगल हमारा किसी भी तरीके का हो। ठीक है, अब देखिए यहां पे नोट कर लीजिए, इफ वी ज्वाइन, ठीक है, ज्वाइन द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल, देन लाइन ऑब्टेन इज पैरेलल टू द थर्ड लाइन ऑफ ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर दो साइड के मिड पॉइंट को हम मिला दें तो ये लाइन होती है ये तीसरे के पैरेलल होगी। जैसे ये साइड है, इसके मिड पॉइंट को हमने ऐसे मिला दिया तो ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, इसके मिड पॉइंट पे ये लाइन मिलाया तो ये इसके पैरेलल है, ये बच्चों प्रॉपर्टी इसमें काम आएगी। अब बच्चों चलिए हम देखिए इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखिए क्या होता है, यहां पे जो हो रहा है वो मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ देखिए, ये लाइन इसके पैरेलल हो गई, ये लाइन इसके पैरेलल हो गई और बच्चों ये लाइन इसके पैरेलल हो गई। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो बच्चों देखिए क्या होता है, यहां पर पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम कैसे बन गया, देखिए ये
ये और ये एक पैरेललोग्राम बन गया ऐसे, ये पैरेललोग्राम बन गया। बच्चों देखिए ये पैरेललोग्राम बन गया। इस तरीके से बच्चों पैरेललोग्राम इसमें डिफरेंट जो है बन गए, तीन बन गए। अब देखिए हमको क्या करना है यहाँ पर, देखिए पैरेललोग्राम के जो है आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम जैसे ये हो गया, ऐसे जैसे हम आपको यहाँ पे बताएं, जैसे कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम इस तरीके से है, ठीक है। तो बच्चों इसके जो फ्रंट के जो आमने सामने के जो होते हैं एंगल, ये इक्वल होते हैं, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। ये वाले हैं इक्वल, ये वाले इक्वल है, इस चीज को ध्यान रखिए। इसको हम इसमें अप्लाई करेंगे, देखिए कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे ये सपोज करिए ये एंगल है हमारा 1, ये एंगल है हमारा 2, और बच्चों ये एंगल है हमारा 3, ऐसे है, ठीक है। अब बच्चों देखिए इसके सामने वाला एंगल कौन सा होगा, वो ये होगा, तो ये भी एंगल 1 होगा। इसके सामने वाला एंगल कौन सा होगा, ये होगा, तो ये भी एंगल 2 होगा। और इसके सामने वाला एंगल कौन सा होगा, वो ये होगा, तो ये भी एंगल 3 होगा। इस तरीके से बच्चों हमारा ये हो गया। अब बच्चों यहां पर कहानी आती है, वो कहानी जरा आप देख लीजिए, कहानी ये देख लीजिए। द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ आर इक्वल। सबसे पहली बात तो हमारी ये निकल के आई कि दोनों जो है ट्राइंगल, जो बड़ा वाला ट्राइंगल है और जो अंदर वाला ट्राइंगल है, इसके एंगल तीनों इक्वल हैं। तो बच्चों यहां पर एंगल और एंगल वाली प्रॉपर्टी लगेगी, तो बच्चों यहाँ पे ये वाला क्राइटेरिया लगेगा। और बच्चों यहां से ये निकल के आएगा कि ये जो है हमारा ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, ये बच्चों हो गया। अब बच्चों यहां पर जब ये एंगल बराबर है और ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके एडजेसेंट जो है साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। तो चलिए अब हम इसको यहां पे देखते हैं, तो इनके एडजेसेंट साइड का रेशियो क्या होगा जरा उसको देखिए। बच्चों देखिए ट्राइंगल 3 के सामने का जो साइड है वो है बीसी, तो इसको लिखिए बीसी, ठीक है। तो ट्राइंगल 3 इसमें कौन सा है, ट्राइंगल 3 हमारा ये है, तो इसके सामने का साइड है डी ई, इसको लिख लीजिए। तो बीसी बटे डीई इज इक्वल टू एंगल 1 के साइड का जो है, एंगल 1 है ये, एंगल 1 लीजिए, एंगल 1 के सामने का जो है वो है एसी, तो हमने इसको यहां पे लिखा एसी डिवाइडेड बाई एंगल 1 के सामने का जो साइड है वो है डीएफ, तो बच्चों ये हो गया डीएफ, ठीक है। इज इक्वल टू एंगल 2 के, एंगल 2 कौन सा, एंगल 2 पहले बड़े वाले में देखें तो एंगल 2 के फ्रंट वाला जो साइड है वो है ए बी, तो बच्चों हमने यहां लिखा ए बी, और बच्चों डिवाइडेड बाई एंगल 2 के सामने वाला है ई एफ, तो हमने यहां पे लिख दिया इस तरीके से ई एफ। ये बच्चों एडजेसेंट साइड हमारे पास इस तरीके से ये आ गई, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। अब बच्चों ये बात हमारी क्लियर हो गई कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ हमारे जो है सिमिलर हैं, तो सिमिलर होने की प्रॉपर्टी एरिया पे लगाते हैं। तो बच्चों एरिया ऑफ एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ वो किसके बराबर होगा, बच्चों इसमें से कोई भी हम दो ले ले उसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो बच्चों हमने इसको ले लिया एसी बटे डीएफ के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। यहां तक बात आपके समझ में आ गई। अब चलिए इधर चलते हैं, देखते हैं एसी कहां पे है। देखिए एसी हमारा ये है और डीएफ हमारा ये है, ठीक है। और बच्चों देखिए ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है, और बच्चों देखिए एसी का मिड पॉइंट ई है, देखिए यहां पे। तो बच्चों क्या हुआ, एसी जो है वो बच्चों इसमें से ले लें, एसी जो है वो होगा एसी डिवाइडेड बाई 2, क्या होगा वो बच्चों होगा हमारा सीई, ठीक है, या ऐसे लिख लीजिए ई सी। ये पूरे का मिड पॉइंट ये है, यानी कि ये वाला पॉइंट इसको हाफ में डिवाइड कर रहा है। तो बच्चों क्या हुआ कि एसी बाई 2 ईसी के बराबर होगा, ठीक। अब देखिए क्या हुआ, डीएफ ईसी के बराबर होगा क्योंकि पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में सामने वाली जो लाइन होती है वो इसकी लेंथ बराबर होती है। तो बच्चों पैरेललोग्राम, ठीक है, इन पैरेललोग्राम, ठीक है, कौन सा पैरेललोग्राम,
डी एफ सी ई, क्या हो गया डी एफ सी ई में क्या होगा, डी एफ इज इक्वल टू ई सी, देखिए ऐसे हो गया डी एफ इज इक्वल टू ई सी। तो बच्चों हम क्या करते हैं, हम जो है ई सी की जगह डी एफ लिख देते हैं, तो बच्चों क्या होगा ए सी बाई टू, यहां पे आ रहा हमारा ए सी बाई टू इज इक्वल टू ई सी की जगह हमने डी एफ लिख दिया, तो यह आ गया डी एफ। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पर बच्चों हम डी एफ की जगह ए सी बाई टू लिख देते हैं, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हो गया ए सी अपॉन ए सी बाई टू और इसका पूरे का स्क्वायर, ये गया कट, ये टू पर पहुंच जाएगा, तो बच्चों ये गया टू डिवाइडेड वन का स्क्वायर ऐसे, और ये बच्चों आया एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ डी ई एफ ऐसे आ गया। तो बच्चों अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो रेशियो आएगा एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ डी ई एफ, ये आएगा बच्चों हमारा जो आएगा ये आएगा 4/1। अब चूंकि बच्चों यहां पे रिवर्स में पूछा है तो इसको रिवर्स कर देंगे, तो बच्चों यहां पे इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1/4, जो पूछा है पहले डी एफ है फिर ए बी सी है, तो बच्चों ये होगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, मैं हट जा रहा हूं, अब देख लीजिए कि क्या है इसमें, और बच्चों ढंग से नोट कर लीजिएगा, इसमें थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, तो देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग मीडियंस। ठीक है बच्चों, यहां पर बच्चों हमको क्या प्रूफ करना है वो मैं आपको बताता हूं। हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, ये सपोज करिए एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल बच्चों कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये बच्चों ट्रायंगल है हमारा ए बी सी और ये है हमारा पी क्यू आर, इस तरीके से ट्रायंगल है और हमको ये गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हमको गिवन है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों मीडियन क्या होता है, सबसे पहले बताता हूं, ये पूछा कि करेस्पॉन्डिंग मीडियंस जो इनका एरिया है उनका रेशियो किसके बराबर होगा, वो इनके मीडियन के करेस्पॉन्डिंग बराबर होगा, ये बात कहेगी। तो बच्चों मीडियन क्या होता है, वो लाइन होती मीडियम जो किसी साइड के मिड पॉइंट से दूसरे वर्टेक्स से मिलती हुई ऐसे आती है, इसको मीडियन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए इसका मीडियन ये हो गया, इसका मीडियन ये हो गया, इसको हमने डाल दिया, लिख दिया यहां पे D और इसको लिख दिया बच्चों हमने यहां पे इस तरीके से M। ठीक है, ये मीडियन हो गया, मीडियन वाला पॉइंट दोनों साइड को बिल्कुल इक्वल पार्ट में यहां पे डिवाइड करता है। ठीक है, तो बच्चों यहां पे जैसे समझ लीजिए, ये हो गया बी डी इज इक्वल टू डी सी बराबर बी सी बटे टू, मतलब क्या हुआ ये और ये बराबर है और दोनों जो है बी सी के बटे टू मतलब आधे हैं, मतलब उसको ये पूरा पूरा हाफ हाफ डिवाइड करते हैं। अब देखिए बच्चों यहां पे क्या है, यहां पे भी ये सेम होगा क्यू एम बराबर एम आर, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू आर डिवाइडेड बाई टू, ये हो रहा है क्योंकि ये ए डी और पी एम इसके मीडियन है। अब बच्चों आते हैं आगे करते हैं बात, बच्चों अगर ये हमारा जो है सिमिलर ट्राइंगल है तो बच्चों इनके एरिया का रेशियो यानी एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर वो बच्चों होगा इनके करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। तो बच्चों जैसे हमने ले लिया ए बी बटे हमारा आ गया पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर इस तरीके से आ गया, देख लीजिए। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, एक तो बच्चों ये निकलता है, दूसरी चीज हमको यहां पे दी हुई है कि ये हमारा जो है ये हमारा सिमिलर है दोनों, तो सिमिलर होने की कंडीशन में क्या होगा बच्चों, ये वाली कंडीशन भी हमारी जो है सेटिस्फाई होगी कि करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो हमारा इक्वल होगा। तो ए बी बटे पी क्यू किसके बराबर है बच्चों, वो बराबर है बी सी बटे क्यू आर के और बच्चों फिर वो बराबर है ए सी बटे पी आर के, ये बात आपके समझ में आ रही होगी। ठीक है,
अब देखिए ए बी बटे पी क्यू ये लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है, ये लिखा है बी सी बटे क्यू आर। तो बच्चों हम जरा इसको साइड में ले लेते हैं, तो हमने यहाँ पे ले लिया ए बी बटे पी क्यू बराबर बच्चों बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर, हमने इसको यहाँ साइड में ले लिया ऐसे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम ऊपर नीचे यहाँ पे दो से डिवाइड कर देते हैं, बी सी बटे टू कर दिया और क्यू आर बटे टू कर दिया, ठीक है। अब बच्चों देखिए बी सी डिवाइडेड बाई टू हमारा क्या है, बी डी के बराबर है, तो हम यहाँ पे बी डी लिख देते हैं। तो देखिए क्या हुआ, ए बी बटे पी क्यू इज इक्वल टू ये आ गया बी डी के बराबर। और बच्चों यहां पर देखिए क्या आया, ये देखिए क्या आया, क्यू आर बटे टू क्यू एम के बराबर है, तो ये आ गया क्यू एम के बराबर। देख लीजिए बहुत आराम से, अब देखिए क्या हुआ, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एम, तो बी डी बटे क्यू एम, मतलब दो करेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो है रेशियो हमारा बराबर आ रहा है। और बच्चों ये एंगल इक्वल है क्योंकि दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर दिए हुए हैं, तो बच्चों हमारा थर्ड साइड का रेशियो भी बराबर होगा, यानी कि यहां से बात प्रूव होती है कि एडी बटे हमारा क्या आएगा, पीएम। अब देखिए इससे क्या हुआ कि ये वाला ट्रायंगल ऐसे करके और ये वाला ट्रायंगल ऐसे करके ये भी सिमिलर है, यहां से एक बात पता लगती है कि ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम, ये बच्चों यहां से हमको निकलती है। अब बच्चों देखिए ये वाला फॉर्मूला उठाते हैं, इस फॉर्मूले को हम यहां लिखते हैं। तो देखिए क्या हुआ, एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर, ये आ गया। अब बच्चों ए बी बटे पी क्यू जो है वो हमारा ए डी बटे पी एम के भी बराबर है, इसके भी बराबर है, तो बच्चों हम क्या लिखते हैं, ए बी बटे पी क्यू को हम ए डी बटे पी एम के बराबर लिख लेते हैं। तो बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पे यहाँ आ गया हमारा एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ डी ई एफ, ऐसे आ गया, ये बच्चों किसके बराबर हो गया, ए डी बटे पी एम, तो क्या हो गया, ए डी बटे पीएम का स्क्वायर इसके बराबर आ गया, ठीक है। और बच्चों एडी और पीएम क्या है, ये मीडियंस है, कोरस्पॉन्डिंग मीडियंस है, तो मीडियन जो है उसके स्क्वायर के बराबर, स्क्वायर के रेशियो के बराबर आ गया, मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के बराबर आ गया एरिया ऑफ दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो, ये बच्चों आ गया। और यही देखिए यहां लिखा है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस, करस्पॉन्डिंग मीडियंस एडी है इसका, इसका पीएम है, और वो इसके स्क्वायर के रेशियो के बराबर है। तो बच्चों इस तरीके से ये होता है प्रूफ, तो यहां पे आप लिख दीजिए हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। अब बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन, तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा जो है सेवेंथ क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन ए वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन द वन ऑफ इट्स डायगोनल्स। इसका मतलब क्या है बच्चों, वो मैं आपको समझाता हूं, आपकी बुक में लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। बच्चों ये देखिए, हमारे पास इस तरीके से एक स्क्वायर है, ठीक है बच्चों, ये एक स्क्वायर है, ठीक है, और इसका साइड आप सपोज कर लीजिए कि वो है ए, ऐसे सपोज कर लीजिए, ठीक है। तो बच्चों क्या होता है, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर जो है वो है हमारा ए। तो बच्चों इसका डायगोनल जो होता है, ये आपको पता भी होगा, डायगोनल होता है वो होता है बच्चों ए रूट टू, ठीक है बच्चों, ए रूट टू डायगोनल होता है। मतलब क्या हुआ कि ये जो डायगोनल है ऐसे, इसकी लेंथ है ए रूट टू, ठीक है। अब बच्चों इस क्वेश्चन में जो दिया गया है वो ये है कि अगर हम इस इसके एक साइड के लेंथ के बराबर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे बनाएं, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड ए है,
और बच्चों इस डायगोनल के लेंथ के बराबर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बनाए, ठीक है। देखिए इस तरीके से, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है इस तरीके से। तो ये जो बड़ा वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसको मैं बीच से बिठा दे रहा हूं या डॉटेड कर दे रहा हूं, हटाइए, ठीक है। ये देखिए डॉटेड हमने इसको इस तरीके से कर दिया, ये हो गया। तो ये जो बड़ा वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये छोटा वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका रेशियो जो है वो जो है हाफ होता है, ठीक है। इसका रेशियो और इसका रेशियो 1/2 होता है, इस तरीके से हमको प्रूव करना है। तो बच्चों देखिए हमारे पास ये आ गया, एक इक्विलेटरल का ट्रायंगल है जिसका साइड ए है और दूसरा है बच्चों हमारा है ए रूट टू का, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो बच्चों देखिए क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है, ट्रायंगल होता है ये बच्चों होता है √3/2 है डी स्क्वायर। अगर हमारा जो है साइड डी साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर हमारे पास है, तो बच्चों देखिए क्या होगा, हम इसको मान लेते हैं कि ये पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो बच्चों देखिए एरिया ऑफ फर्स्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये देखिए क्या आएगा, वो आएगा √3/2 डी स्क्वायर। अब बच्चों यहां पे डी कितना है, ये ए है, तो हम इसको यहां लिख देते हैं इस तरीके से ए स्क्वायर, ठीक है। और बच्चों फिर हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेकेंड इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो वो जाएगा √3/2 डी स्क्वायर। और बच्चों देखिए यहां पर डी क्या है, वो है ए रूट टू, तो बच्चों क्या होगा, ये हो जाएगा 2 और ये बच्चों हो जाएगा ए रूट टू का स्क्वायर इस तरीके से। तो बच्चों ये आएगा √3/2 इंटू 2 ए स्क्वायर, ये आ गया। अब देखिए हमको इसको रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालना है किसका, वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ द स्क्वायर ऑन द डायगोनल्स, ठीक है। तो बच्चों फर्स्ट जो रेशियो निकालना है वो निकालना है, रेशियो होगा हमारा एरिया ऑफ फर्स्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ सेकेंड इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये देखिए हमारे पास है इस तरीके से। तो ये फर्स्ट वाले का आया है हमारा √3/2 a² और बच्चों इसका जो आया है √3/2 2a². देखिए इस तरीके से आ गया, देखिए √3/2 √3/2 कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया। तो बच्चों जो हमारा रेशियो आ रहा है एरिया ऑफ फर्स्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ सेकेंड इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ये बच्चों आ रहा है 1/2, ये आ गया बच्चों। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाफ आ जाएगा, और यही बच्चों हमको प्रूव करना था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सिमिलरिटी से कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी जो है यहां पर आपको दिखाया गया है, और बच्चों यही बच्चों इसका आंसर है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा जो है कंप्लीट होता है बच्चों, और इस क्वेश्चन के साथ ही हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। तो देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चों। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, एबीसी एंड बीडीई आर द टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स सच दैट डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एबीसी एंड बीडी इज, ये ऑप्शन हमको 4 दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, यहां पर एक जो है इस तरीके से इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस तरीके से इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों। अब देखिए क्या होता है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का, जो हमारा वर्टेक्स है वो है ए बी एंड सी इस तरीके से, और फिर हमको दे रखा है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। बच्चों डी जो है यहां पे मिड पॉइंट है किसका, बीसी का, ठीक है। और बच्चों क्या है कि एक एंगल हमारा बनता है, एक ट्रायंगल हमारा बनता है बी डी ई, ठीक है। तो बच्चों सपोज करिए कि ई पॉइंट हमारे पास यहां पे इस तरीके से है ना, ये देखिए इस तरीके से हमारे पास ई पॉइंट है, ये डी पॉइंट हो गया, ठीक,
और ये देखिए, ये इस तरीके से ये ऐसे और ये इस तरीके से ये ऐसे, ये हो गया हमारा E, ठीक है। देखिए ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और बच्चों यहां पर देखिए ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट होने का मतलब ये होता है कि BD जो है वो BC का आधा है। तो बच्चों यहां से एक चीज निकल रही है हमारी कि BD जो है वो है BC का जो है आधा है, इस तरीके से, ठीक है। अब बच्चों यहां पर देखिए, देखिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि इनके सारे एंगल 60 डिग्री के हैं, यानी कि एंगल हमारे बराबर है। तो बच्चों यहां पर एंगल 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 का लगेगा क्राइटेरिया, ठीक है, एंगल 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 का क्राइटेरिया लगेगा। इसका मतलब हुआ कि ये जो है हमारा सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल ये है, यानी कि ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बीडीई। ये देखिए इस तरीके से हो गया। अब बच्चों हमको क्या करना है, एरिया निकालना है एबीसी का और बीडी का। तो बच्चों देखिए क्या होता है, एरिया ऑफ, ठीक है, एबीसी, ठीक है, एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बीडीई, ये क्या होगा बच्चों, ये हमारा जो है ये होगा बच्चों किसी भी एक साइड का ये रेशियो होगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए हम यहां पे इस तरीके से कर लेते हैं, बीसी डिवाइडेड बाई बीडी, ठीक है, इसका स्क्वायर इस तरीके से हो गया। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, बीडी हमारा बीसी बाई टू था, तो हम यहां पर बच्चों रख देंगे बीसी अपॉन बीसी बाई टू का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया एरिया ऑफ ए बी सी और ये हो गया एरिया ऑफ बी डी ई, इस तरीके से। तो इसका रेशियो आएगा बच्चों ऊपर जाकर के, बीसी से बीसी कट जाएगा, ये आएगा 4:1, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ बी डी ई, ये बच्चों आएगा 4:1। तो इसका आंसर होगा हमारा सी, ये सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, आपने तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन अभी कर दिए हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसके बाद अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चों। ये देखिए, ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 6.4 का। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:9, एरिया ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो, ठीक है बच्चों। दो सिमिलर ट्राइंगल है, उनके साइड का रेशियो बच्चों है हमारा जो है 4:9, तो एरिया का रेशियो निकालना है। तो बच्चों बहुत आसान है, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, ट्राइंगल डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल, दो ट्राइंगल होंगे जो कि सिमिलर होंगे, ट्राइंगल ये आ गया, वो बच्चों होगा हमारा साइड है, साइड ऑफ फर्स्ट एंड साइड ऑफ सेकेंड ट्राइंगल का स्क्वायर, ऐसे हो गया। तो बच्चों ये है हमारा 4:9, इसका इस तरीके से आ गया, ये हो जाएगा बच्चों हमारा 16:81। तो बच्चों हमारा रेशियो आएगा 16:81, किसका, एरिया ऑफ फर्स्ट रेशियो एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल, ये बच्चों ये रेशियो हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से आ रहा है। तो इसका ऑप्शन होगा ये बच्चों यहाँ पे डी, और ये क्वेश्चन और एक्सरसाइज दोनों कंप्लीट होता है, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ बच्चों हमारा एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट होता है, और अब बच्चों हम मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, जो कि है पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर। तो बच्चों मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 6.5 में, अगले वीडियो में। बच्चों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।